की सुबह की शुरुआत बेहतरीन हो तो हम पूरे दिन खुश मिजाज और सेहतमंद बने रहते हैं, लेकिन आजकल सुबह आंखें खुलते ही हमें सुस्ती आ जाती है। ऐसा मन करता है कि बस थोड़ी देर बिस्तर पर और लेट जाएं। हम अक्सर ऐसा करते भी हैं कि समय देखा और थोड़ी देर करते करते दोबारा सो गए। अगर आप भी सुस्ती से बेहद परेशान हैं, तो इसके लिए आज हम आपको एक 27 मिनट की रोजाना की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आप सुबह सुस्ती की बजाय तरोताजा महसूस करें। आपको बता दें कि ये बेस्ट तरीका अमेरिका के एक विशेषज्ञ के अनुसार बताई गई है, जो बेहद ही असरदार तरीका माना जा रहा है। आइए जानते हैं इन तरीकों के बारे में। बात करते हैं पहले तरीके की, जिसमें मनोवैज्ञानिक के अनुसार आप सिर्फ 5 मिनट के लिए सांस संबंधी व्यायाम अवश्य करें, क्योंकि मनोवैज्ञानिक के अनुसार श्वास क्रियाओं का इंसानी भावनाओं के साथ बेहद ही गहरा संबंध होता है। हालांकि ये प्रक्रिया आपके तनाव को भी काफी हद तक कम करता है, इसके लिए आप सुबह के समय यानी अपने बिस्तर पर ही बैठ के 5 मिनट तक लंबी सांसें लें और उसके बाद उस सांस को छोड़ें। ऐसा करने से आप हमेशा तरोताजा महसूस करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की है। इस तरीके को करने के लिए आप अपने जीवन की सबसे अहम यानी खुशी वाले पल को याद करें और कागज पर लिखें, साथ ही भगवान का स्मरण करना ना भूलें। तो वहीं मनोवैज्ञानिक के अनुसार सुबह सुबह जीवन के अच्छे पलों को याद करने से हमारे दिमाग में हमेशा सकारात्मक बातें पैदा होती हैं, जिससे आपका पूरा दिन किसी भी कठिन कार्यों को पूरा करने में सफल रहता है। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, यानी 20 मिनट वाले तरीके की, जिसमें आप जिंदगी में कुछ नया सीखने की ललक से है। हालांकि आज के समय हम ज्यादातर नॉलेज इंटरनेट के सहारे ही लेते हैं, लेकिन आप इसके लिए किसी जानकार से भी मिल या बात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नया सीखने से आपको नॉलेज के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जिससे आप रोज कुछ नया भी सीखते हैं तो खुद को अच्छे से समझते भी हैं, जिससे आप अपने रिश्तों को भी समझने में कारगर होते हैं और आपकी सीखने की ललक भी हमेशा बढ़ती है। और आप अगर ये प्रक्रिया रोज सुबह करते हैं, तो ऐसा करने से आप रोजाना तरोताजा महसूस करेंगे। किरण हेल्डेक से रानी की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।